Illustration: A hunter has a machine gun that can fire 50 gram bullet. Mass of the bullet is given to us 50 gram. So we can write it 50 by 1000 0 0 5 2 10. So we can say it is 1 by 20 kilogram. With velocity of 150 meter per second, bullet velocity is given to us 150 meter per second. A 60 kilogram tiger, mass of the tiger is 60 kilogram. Spring at him with a velocity 10 meter per second. Tiger ki velocity hame de rakhi hai. Velocity of the tiger, it is 10 meter per second. How many bullet must the hunter fire into the tiger in order to stop the tiger? अब टाइगर को रोकना है तो बेसिकली एक ही लॉजिक लगा होगा, कंजर्वेशन मोमेंटम। जितना मोमेंटम टाइगर ने गेन किया उतना ही बुलेट की वजह से हो जाए तो सब कुछ इक्वलाइज हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू थिंक मोमेंटम ऑफ द टाइगर, मोमेंटम ऑफ टाइगर, मास ऑफ द टाइगर इनटू वेलोसिटी ऑफ द टाइगर। सो वी विल से 60 इनटू 10 दैट इज 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखो बुलेट ने कितना मोमेंटम गेन किया, मोमेंटम ऑफ वन बुलेट, मोमेंटम ऑफ वन बुलेट वी विल से इट इज गिवन बाय मास ऑफ द वन बुलेट इनटू वेलोसिटी दैट इज 150। सो वी कैन से इट इज गिवन बाय 15/2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन कितनी बुलेट निकालनी है आपको, एन बुलेट निकालनी। सो मोमेंटम ऑफ एन बुलेट्स वी विल से 15/2 इंटू एन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई से दिस इज इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर टू, अब दोनों मोमेंटम सेम होना चाहिए तो यू विल से 15/2 इंटू एन मस्ट बी इक्वल टू 600। Then we write 15 n equal to 6 to 1200. Then n is given by 1200 upon 15. We will get it will be 15 8 is 120. So n equal to 80. So right answer of this problem is 80.